आज देखिए मैंने मावा मोदक बनाए हैं, देखिए कितने बढ़िया बने हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड, मैं आकांक्षा, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद आकांक्षा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम बनाते हैं मावा मोदक। इसे बनाने के लिए हम ये 250 ग्राम मावा जो है पैन में डालेंगे। ये घर पर ही मावा मैंने बनाया था। देखिए मैंने 2 कप टीस्पून मिल्क में केसर डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करूंगी और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब देखिए जो केसर वाला दूध था वो हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। अब देखिए मावा अच्छे से हमारा तैयार हो गया है और इसे हम मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए मावा को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसे हम बाउल में डालेंगे। इसके साथ में इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। इसके साथ मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मावा मोदक खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मोल्ड लेंगे, मोल्ड को हमने देसी घी से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम दोनों तरफ मावा की फिलिंग करेंगे और इसे अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। तो आप इस बार गणपति जी के लिए ज़रूर से मावा मोदक बनाइएगा और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, आपके पूरे फैमिली में सबको बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए कितना प्यारा मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से बाकी के सारे मोदक हम बना के तैयार करेंगे। अब देखिए हमने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं एक मोदक आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।